प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज वीडियो नंबर 72 में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे परमेश्वर ने हमेशा से ही हमें एक बहुत अच्छा भोजन खिलाया है, जिससे हम इनसाइट स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों से हटके खुदा की तरफ लग जाता है। मैं बिलीव करता हूँ आज का वचन भी हम में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूँ, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम उन दिनों में रह रहे हैं जो दिन नूह के दिनों की तरह थे। खुदा के रसूलों ने एक दिन प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने पूछा, आपका दोबारा आना कब होगा? उसने कहा, मेरे आने से पहले नूह के दिन वापस आएंगे। अगर हम नूह के दिनों के बारे में पढ़ें तो आप जानते होंगे उन दिनों में बहुत सारा गुनाह, पाप, व्यभिचार, फोर्निकेशन, ये सारी चीज़ें ग्रो कर रही थी। और आज हम सेम चीज़ों को देखते हैं। जैसे नूह उस दिन के बारे में नहीं जानता था, उसे डेट नहीं पता थी कि बाढ़ कब आएगी, पानी कब गिरेगा, वैसे हम भी नहीं जानते हैं कब वो स्वर्ग से लौटेगा। लेकिन यस, हम इस बात को जानते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू बाइबल हम उसके आने के बड़े करीब आ गए हैं। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, चाहे आप मुझे दुनिया के किसी भी कोने में से देख रहे हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर दिन खुदा के सामने अपने पापों को मानिए, हर दिन उसे अनुग्रह मांगिए, हर दिन उसके साथ चलिए। क्योंकि याद रखिए, ये वो ज़माना नहीं है जब अमीर और फेमस पॉपुलर लोग जो हैं, ये उनका ज़माना नहीं है। ये वो ज़माना है, अब वो समय आने वाला है जब वो अपने विश्वास योग्य लोगों को लेने के लिए आएगा, जब वो अपने सच्चे लोगों को लेने के लिए आएगा। उस दिन मनुष्य की चढ़ी हुई आंखें नीचे की जाएंगी और केवल प्रभु ही ऊंचे पे विराजमान होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, ये जो आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग के पास पैसा है, शोहरत है, पॉपुलैरिटी है, फेमिलियर हैं, बहुत फेमस हैं, पल भर का है, बहुत जल्द सबको पता चलने वाला है कि इस दुनिया में वही लोग जिनको खुदा ने उठाया, वही लोग सच्चे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, हम बहुत जल्द घर जाएंगे, इसलिए दुनिया से हटकर जिंदगी जियो, खुदा के साथ जियो, उसकी इच्छा के अनुसार जिए हम। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है कि माफ़ी के ऊपर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूँ, मैं आपके सामने ये वचन पढ़ रहा हूँ, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, कुलिसियों 3 अध्याय और उसका 13 वचन। यहाँ लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। आप इससे कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, मती में जब प्रभु प्रार्थना करना सिखाते हैं तो कहते हैं, अगर तुम दूसरों के अपराध माफ न करोगे तो परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आपके अपराध भी माफ नहीं करेगा। लेकिन क्या आपको इस वचन ने थोड़ा हैरान किया? यहां लिखा है, तुम माफ किए गए हो इसलिए तुम भी माफ करो। जिस समय यीशु ने यह कहा कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हें भी नहीं किया जाएगा, उस टाइम पे वो क्रूस पे नहीं गया था, वो जिंदगी जमीन पे जी रहा था। लेकिन जब वो क्रूस पे मरने के बाद पॉल अपने लेटर में लिखता है कि तुम माफ किए गए हो, कहां? क्रूस पर। यीशु मसीह ने सिर्फ उनके लिए प्रार्थना नहीं की जो उसे मार रहे थे, उसे हर एक के लिए प्रार्थना की है, पिता इन्हें क्षमा कर, वहां पर किसी का नाम नहीं, वो हमारे लिए भी थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम में से बहुत लोग हैं यहाँ पर जो दूसरों को भी माफ़ कर लेते हैं, लेकिन बहुत लोग खुद को माफ़ नहीं कर पाते। उनके अंदर गिल्ट रह जाती है कि मैंने क्या किया, क्या किया। मैं काफ़ी सालों से सेवकाई कर रहा हूँ, अलग अलग जगहों पे जाता हूँ, लोग मुझसे मिलते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं, काउंसलिंग मांगते हैं, दुआ करवाते हैं। और कई लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि ब्रदर, हमने बहुत पाप किया है, हमने मसीह में आने के बाद भी बहुत घिनौने काम किए हैं। और कई बार जब मैं उनको कहता हूँ कि ब्रदर, सिस्टर, प्रभु आज भी आपसे प्रेम करते हैं, बिलीव मी, वो सुन लेते हैं,
पर उनके अंदर नहीं जाती ये बात, वो अंदर गिल्ट में है। मैं मुझे मुझे लगता है आप में से बहुत लोग होंगे यहाँ पर जिनको परमेश्वर ने सालों पहले माफ किया है, लेकिन आज भी आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो। आप सारा दिन उन गलतियों के बारे में सोचते रहते हो, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा कब किया, मैंने अगर नहीं किया होता तो मेरी ज़िंदगी कहीं और होती, मैंने ऐसे काम कैसे कर दिए, ओ शायद मैं ये नहीं करता तो आज मैं कहाँ होता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये सब व्यर्थ विचार हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको कल भी नई जिंदगी शुरू करनी है, जो काम आपको कल करना हो वो आप आज क्यों नहीं कर रहे। मैं बाइबल में से एक बहुत यूनिक एग्जांपल देता हूं, जरा देखिए। ये बंदा खुदा के पास गया है कि खुदा इसके पास आया है। हम सभी इस नाम से बड़े वाकिफ हैं, पतरस, प्रभु का चेला, यीशु मसीह से मिलते हैं, यीशु ने इसकी बोट मांगी। आप जानते हैं ये वो बंदा है जो पानी पे चला, ये वो बंदा है जिसने अपनी सांस के घर में वो यीशु को लेके गया। आप सभी जानते होंगे कि एक दिन उसकी सांस बीमार थी और वो प्रभु को लेके जाता है और यीशु उसकी सांस को चंगा करता है। एक दिन पतरस और अन्य चेले बोट में बैठे हुए थे, अचानक वहां पर यीशु मसीह को उन्होंने पानी पे चलते हुए देखा। तब ये पतरस ही था जिसने प्रभु को कहा, यदि आप हैं तो मुझे कहिए, मैं भी आऊंगा। और यीशु ने कहा, आ। आप जानते हैं एक दिन यीशु को प्रार्थना के लिए पहाड़ पे जाना था, वो पतरस, याकूब और यहुन्ना को ले गया। और वहां पर पतरस था, याकूब था, यहुन्ना ना, जिन्होंने ये कहा, प्रभु क्या हम मूसा और एलिया के लिए भी तंबू बनाए। ये वो लोग थे जो उसे पहचान पाए, पतरस वही था। इवन आप पढ़ के देखिए, जब याइर की बेटी को यीशु जिंदा कर रहे थे तब भी पतरस वही था। इवन ही इज अ मैन जिसके ऊपर प्रभु ने अपनी कलीसिया बनाने की प्रतिज्ञा की। एक दिन यीशु ने उसे पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, उसने कहा, कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे नबी कहता है, कोई तुझे मसीह कहता है, तू मुझे क्या कह। वो कहता है, मैं जानता हूं तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु कहता है, मांस और लहू ने नहीं, किसी इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने तुझ पर अपनी बातें प्रकट की हैं। यू नो मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा था, पवित्र आत्मा था जिसने पतरस को बताया कि यीशु कौन है। इतना कुछ उसने अनुभव किया, वो यीशु के साथ चला, उसने मछली में से सिक्का निकाला, उसने प्रभु के लिए अपना सब छोड़ दिया। पर जब एक समय ऐसा आया जब वो एक बहुत बुरे गुनाह में गिरा। आप जानते होंगे अकॉर्डिंग टू बाइबल, मैं नहीं कहता हूं कि व्यभिचार, हत्या, झूठी गवाही, चोरी, ये पाप हल्के हैं, लेकिन आप जानते हो किसी भी पाप के साथ ये नहीं कहा गया कि अगर तूने ये किया तो मैं खुदा के सामने कहूंगा मैं तुझे नहीं जानता। सिर्फ एक ही गुनाह था जिसके लिए यीशु ने कहा, अगर तुम ये करोगे मैं तुम्हें वहां नहीं पहचानूंगा। यीशु ने कहा, जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, जैसे आज भी समाज के डर से बहुत सारे लोग अपने आप को छुपा के रखते हैं कि वो मसीह हैं, वो चर्च जाते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, वो सच्चे खुदा को मानते हैं। क्यों? ताकि उनकी झूठी और खोखली इज्जत जो है वो बनी रहे और लोग उन्हें हर जगहों पे एक्सेप्ट करें, लोग उन्हें कहाँ पर भी मुंह न मोड़ें। लेकिन जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल सबसे बड़ा सिन क्या था उन दिनों में और आज? जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं स्वर्गीय पिता के सामने और दूतों के सामने उनका इनकार करूंगा। एक दिन पतरस ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए और वो डर गया और लोगों ने उसे पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं उसे नहीं जानता। तीसरी बार जब मुर्गे ने बांग दी, आप सभी जानते होंगे, पतरस अपने रास्ते पे चला गया और यीशु मसीह क्रूस पे मरने के लिए चले गए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप पढ़ के देखिए जॉन 20 और 21, दोनों पढ़ के देखिए कैसे पतरस अपने काम में वापस लौट गया। वो चला गया, क्यों? क्योंकि उसने गिव अप कर दिया कि अब वो एक प्रेरित बन सकता है, वो एक चेला बन सकता है। लेकिन जानते हो कौन किसके पास आया? यीशु उसके पास आया और यीशु ने उसको 3 बार आके सेम बात पूछी, क्या तुम उससे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है? और यीशु उसके पास आके कहता है, मेरे पीछे हो ले। मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्यों यीशु से मिलने आया? क्योंकि पतरस अपनी गिल्ट में था। पतरस को लगता था मैं एक बुरा व्यक्ति हूं, पतरस को लगता था मैं फिर से अब सेवा नहीं कर पाऊंगा कभी भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा ने आपको नहीं छोड़ा है, आप अपने आप को माफ क्यों नहीं करते? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं,
अगर आपने मसीह में आने के बाद भी गुनाह किए हैं, लेकिन अगर आपने अपने गुनाह खुदा के सामने मान लिए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु के लहू ने आपके पाप को ढांपा नहीं है, धो दिया है, साफ कर दिया है। जब परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है तो आप खुद को भी माफ कर दीजिए। यहां पर पॉल कहता है तुम क्षमा किए गए हो। वो ये नहीं कहता कि क्षमा नहीं करोगे तो नहीं किए जाओगे, वो कहता है तुम क्षमा हो चुके हो, इसीलिए अब तुम्हें सूट नहीं करता कि तुम किसी को माफ ना करो, इसलिए तुम्हें कर देना चाहिए। कई बार हम विश्वासी मसीह में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और उसके बाद अगर हमसे व्यभिचार हो जाता है, कुछ गंदा काम हो जाता है, हम उस पाप को अपने अंदर इतना पकड़ के रखते हैं, बिल्कुल दाऊद की तरह, जैसे दाऊद कहता है मेरा पाप मेरी दृष्टि में बना रहता है, हमारा फोकस हमारा बिहेवियर बन जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां लिखा है बाइबल में कि कोई मसीह में आएगा तो फिर उससे कभी पाप होगा ही नहीं, उससे गलती होगी ही नहीं? याद रखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलाम नहीं कहता ये कि आप मसीह में आओगे तो आपसे पाप नहीं होगा, लेकिन यस, पवित्र आत्मा आपसे विलिंगली सिन करने की इच्छा से बाहर निकाल देगा। आप अगर एक सच्चे मसीह है ना, आप जानबूझ के गुनाह कभी नहीं करेंगे, लेकिन यस, पवित्र आत्मा से भरने के बाद भी आपसे गलतियां होंगी, आप स्लिप होंगे। आप जानते हो इतना बूढ़ा यूहन्ना 90-95 साल का, जब वो प्रकाशित वाक्य देख रहा था, खुदा उसे आत्मा में दिखा रहा था, वो स्वर्गदूत के सामने झुक गया। हम भी जानते हैं कि हमें स्वर्गदूतों की आराधना करने के लिए बाइबल परमिट नहीं करती, परमिशन नहीं देती, हमें नहीं कहती, और उस स्वर्गदूत ने उसे उठाया और कहा ऐसे मत कर। आप बिलीव कर सकते हैं इतने साल चलने के बाद भी उससे गलतियां हो रही थी? आप पढ़ के देखिए प्रेरितों के काम की किताब के अंदर, कैसे जब पौलुस को एक याजक ने चाटा मारा तो पौलुस ने उसको बैक आंसर किया, और उसके बाद पौलुस ने उसको कुछ सेकंड्स के बाद माफी मांग ली क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो गलत था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ईमानदारी इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर सब जानता था कि आदम ने क्या किया है, फिर भी वो आया और पूछता है आदम क्या तूने फल खाया? खुदा जानता था कि केन ने हाबिल की हत्या कर दी है, फिर भी वो आके पूछता है क्या तूने अपने भाई को मार दिया? यीशु 5,000 लोगों को खाना खिलाता है, उसके बाद फिर से वो लोग आते हैं और वो फिलिप्पुस से पूछता है हम इनके लिए फिर से इतना खाना कहां से लाएं? वहां लिखा है वो आप जानता था कि वो क्या करने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, ईमानदार होना महत्वपूर्ण है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक परमेश्वर का दास होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, प्रभु ने आपको माफ कर दिया है, आप भी खुद को माफ कर दो। आप जानते हैं जो चीज मेरे सामने है ना, मैं उसे देख सकता हूं, लेकिन जो चीज मेरे बैक में है मैं उसको नहीं देख सकता। मैं मिरर में शायद देख पाऊं, लेकिन मैं अपनी गर्दन से पीछे नहीं देख सकता क्योंकि मैं ऐसा बना हुआ नहीं हूं। क्यों लिखा है मैंने तुम्हारे पाप अपनी पीठ के पीछे फेंके हैं? जब खुदा को नहीं दिखते तो कौन आपके सामने ले आता है? शैतान कई बार जब वो देखता है ना कि आपने पाप किया, वो आपके मन में तरह तरह के ख्याल डालता है, खुदा ने तुझे छोड़ दिया है, क्यों प्रार्थना कर रहा है, क्यों प्रार्थना कर रही है, उत्तर नहीं आएगा, इससे पहले आया था क्या, कुछ नहीं होने वाला है, मत कर प्रार्थना, जाने दे चर्च, चर्च मत जा, जो जिंदगी वहां सिखाई जाती है दुश्मनों से प्रेम करो, ये सब नहीं हो सकता। कई बार तो हम जब बीमार लोग हमारे सामने आते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो चंगे हो जाएंगे, क्योंकि हम गिल्ट से भरे हुए हैं, हम गुनाह को देखते रहते हैं। याद रखिए पतरस की धार्मिकता यीशु के नाम में थी, स्वयं में नहीं। एक लंगड़े को ठीक करने के बाद पतरस ये नहीं कहता ये लंगड़ा इसलिए चंगा हुआ क्योंकि मैंने उपवास और प्रार्थना की थी, वो कहता है उस नाम पर विश्वास करने के कारण ये व्यक्ति चंगा हो चुका है। पतरस की धार्मिकता स्वयं में नहीं, यीशु मसीह के नाम में थी। जब भी आपके सामने कोई बीमार आता है प्रार्थना करिए, खुदा आपकी धार्मिकता देख के उनको चंगा नहीं करता, वो उनके विश्वास को देखकर, वो यीशु मसीह के नाम से जो धार्मिकता हमें मिली है वो उसको देखकर हमें आशीष देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पतरस से मिलने गया ताकि वो गिल्ट से बाहर आए, वो आपको भी आज यही कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुझे माफ़ कर चुका हूँ, चल हम एक नई शुरुआत करेंगे।
ये मैं नहीं, ये खुदा आपको कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा आपको कि आप शुरुआत करो, वो आपसे कहता है चल हम एक नई शुरुआत करेंगे। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, खुद को माफ कर दीजिए। आज के बाद शैतान कभी भी आपको आपका पाप याद करवाए, उसी समय मुड़ के खुदा की तरफ कहिए, थैंक यू मुझे माफ करने के। शैतान कभी भी आपको आपका गुनाह याद करवाए, उसी समय खुदा की तरफ मुड़ के कहिए, धन्यवाद मेरे गुनाहों के प्रति नम्र बनने के लिए, दयालु बनने के लिए, धन्यवाद ईश्वर। मैं विश्वास करता हूं आज आपने इस वचन के द्वारा बहुत कुछ लर्न किया होगा, सीखा होगा, और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, और इस आर्टिकल को पाने के लिए आप हमें इस नंबर पे जो इस समय स्क्रीन पर बड़े वर्ड्स से है, आप यहाँ पर अपना नाम और अपने शहर का नाम, और इस आर्टिकल का नाम है पत्रस, आप हमें भेज सकते हैं और हम आपको भेज देंगे इस आर्टिकल को। और याद रखिए, बहुत सारे लोग आर्टिकल पाने के लिए डिफरेंट नंबर्स पे कॉल मैसेज करते हैं। जी नहीं, आपको इसी नंबर पे मैसेज करना है जो इस समय स्क्रीन पर है, यहीं पर मैसेज करने से वो आर्टिकल आपको मिल पाएगा और कहीं भी नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप आशीषित हुए होंगे और आज प्रभु ने आपसे बात की होगी। यदि आप चाहते हैं कि हम बेसिक टीचिंग कंटिन्यू रखें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। खुदा आपके साथ है। जय मसीह की।